हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम रियलमी 8 4G वर्सेस इन्फिनिक्स नॉट 11 एस के बीच में फ्री फायर का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। एंड गाइस, ब्राइटनेस डीपीआई सभी आपको कंपेयर करके दिखाने वाले हैं। एंड दोनों ही 4G है, ये भी 4G। इसमें G95 प्रोसेसर 8GB रैम के साथ वाला है ये, एंड ये 4GB रैम। एंड गाइस, इसमें G88 प्रोसेसर देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं ब्राइटनेस को। एंड दोस्त, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्त, यहाँ पे ब्राइटनेस को दोनों में करते हैं सिंपली फुल। एंड गाइस, यहाँ पे इन्फिनिक्स मतलब काफ़ी पीछे है, बिकॉज यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसके वजह से ये ब्राइट देखने को मिलता है। बट गाइस, आउटडोर में दोनों को यूज़ करेंगे तो कोई भी यहाँ पे आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से विजिबल रहते हैं आउटडोर में भी। LCD होते हुए भी इन्फिनिक्स काफ़ी सही काम किया है गाइस डिस्प्ले के मामले में, मैं कह सकता हूँ। ओके गाइस, तो ये कुछ रहा। अब यहाँ पे गाइस, मैं आपको ले चलता हूँ DPI दिखा दूँ, DPI कंपेयर कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस मिलता है 360 DPI एज यू कैन सी यहाँ पे। एंड यहाँ पे बात करें तो इसमें भी 360 DPI देखने को मिलता है एज यू कैन सी दोस्त। तो दोनों ही डिस्प्ले का ये DPI काफ़ी ज़्यादा मतलब इक्वल ही है गाइस, काफ़ी ज़्यादा क्या कहना। ओके दोस्त, यहाँ पे हमने रैम मैनेजमेंट वैसे चेक कर लिया है, स्पीड टेस्ट भी कर दिया है, तो वीडियो भी आप जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे एक साथ फिर से फ्री फायर को ओपन करते हैं, हमने दोनों को सेम वाईफाई से भी कनेक्ट कर दिया है। तो ब्राइटनेस के मामले में ऑफकोर्स रियलमी 8 बेटर है। एंड गाइस, स्पीड टेस्ट देखिएगा, वहाँ पे आपको और अच्छे से मालूम चलेगा। यहाँ पे एक साथ हम ओपन करते हैं एंड गाइस, यहाँ पे देखते हैं कौन विनर होता है। एंड फ्री फायर को हम प्ले करके आपसे बताएंगे टच रिस्पॉन्स है, स्मूथनेस, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस तो वैसे कंपेयर कर दिए, और चीज़ें इसमें क्या किस में खास देखने को मिलती है वो सारी जानकारी गाइस यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन्फिनिक्स में एक क्लास स्क्वाड प्ले करते हैं एंड मैं आपको कंपेयर करके बताऊँगा किस में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे मैं आपको सेटिंग दिखा दूँ, तो एज यू कैन सी सभी सेटिंग्स को हमने हाई पे कर दिया है। एंड गाइस, यहाँ से हम सिंपली लगाते हैं क्लास स्क्वाड, दो दो जो मोड देखने को मिलता है, दो दो राउंड वो करके दिखाते हैं। एंड गाइस, आप खुद मतलब देख भी सकते हैं, एंड जो मुझे फील होगा वो एक्चुअल में आपको बताऊँगा कि कौन किस में मतलब कितना ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो गाइस, तो यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज़ द फर्स्ट राउंड। एंड गाइस, देखते हैं कैसा प्ले होता है। वैसे गाइस, ये दूसरे का कस्टमाइज है तो मैं बस एक अंदाज़ा लगाने के लिए प्ले कर रहा हूँ। वैसे मेरा ये फ़ोन नहीं है, रियलमी 8 मांग कर लाया हूँ किसी से एंड आपके सामने प्ले करके दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे गाइस, मुझे कोई भी यहाँ पे स्मूथनेस में अभी कमी देखने को नहीं मिल रही, काफ़ी सही परफॉर्म करा है। मैंने रियलमी नार्सो 30 से कंपेयर किया था, उसमें मुझे थोड़ी जर्किनेस इसमें देखने को मिल रही थी। अभी गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे स्मूथ लग रहा है, 60 FPS प्रोवाइड करते हुए दिख रहा है गाइस। तो ये पता नहीं कभी कभी क्या होता है सॉफ्टवेयर में या क्या होता है, कुछ मुझे मालूम नहीं, बट जैसा होता है गाइस वो मैं आपको क्लियरली एंड डेफिनेटली बता देता हूँ। ओके भाई साहब, मार दोगे क्या हमें? नहीं मार पाओगे। हेल्थ भाई साहब ये किधर रखा है यार, मार देंगे कूद के ही हमको। ओके गाइस, तो यहाँ पर चढ़ते हैं इसमें हम। एंड गाइस, हमको मारा है ना ये किल, ये मर ही गया बेचारा क्या। ओ मर जा, हेड लग गया गाइस, मस्त मतलब हेड लगा। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है गाइस, यहाँ पे कोई भी लैग्स वैग्स तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिल रहे हैं मुझे फ़िलहाल तो, एंड परफॉर्मेंस काफ़ी सही दे रहा है। एंड गाइस, नेक्स्ट राउंड भी प्ले कर लेते हैं एंड ये गन बाई करते हैं हम। वैसे दूसरे कस्टमाइज पर क्या ही खेलेंगे भाई, यहाँ पे रन करने वाला बटन मेरा रहता है बट यहाँ पे इसका फायर बटन है, तो थोड़ी दिक्कतें तो आ रही हैं बट देखते हैं कि बस हम अंदाज़ा लगा रहे हैं एंड कैसा परफॉर्मेंस देता है। ये भाई साहब को हम निकाल दें, ये भाई साहब इसमें तो स्किन है गन में इसके। ओके तो चले गए, देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पर बंदे ढूँढते हैं, किधर है भाई साहब ये, निकलो भाइयों निकलो, तभी नो तभी ना खेलेंगे हम गेम, युद्ध होगा। किधर छुपे हैं यार, ये इसी में छुपा है यार, काश के नेड होता। ओ भाई साहब किधर कौन छुपा है कुछ यार, वो मर जा रहे हैं पहले ही, वो तो मिले ही नहीं हमको यार, वो ऐसे ही चला गया हमारा मैच तो।
पता ही नहीं चला, बट गाइस स्मूथनेस काफ़ी सही देखने को मिली यहाँ पे, कोई भी मुझे लैग स्टटर जर्किनेस बिल्कुल ही देखने को नहीं मिले, तो परफॉर्मेंस से कोई भी मुझे शिकायत देखने को नहीं मिली। वैसे आप फ्री फायर टेस्ट भी देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी डाला है फ्री फायर टेस्ट, तो वो आप जाके देख सकते हैं, बैटरी रन के भी बारे में बताए हैं। अब गाइस यहाँ पे हम प्ले करते हैं इन्फिनिक्स में, एंड गाइस इसमें देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस होता है, क्या लैग वैग देखने को मिलता है या नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सेटिंग दिखा दूँ, तो एज यू कैन सी सभी सेटिंग्स को हमने हाई पे कर दिया इसमें भी। एंड गाइस यहाँ से हम प्ले करते हैं क्लास स्क्वाड, एंड गाइस यहाँ पे ये रहा नॉर्मल वाला ही प्ले करेंगे, क्या रैंक घटाएंगे, दो राउंड प्ले करना ये। एंड गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला रियलमी 8 में। एंड गाइस इन्फिनिक्स में देखते हैं, वैसे प्राइस का डिफरेंस तो है बट परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है G88 और G95 में वो डेफिनेटली बताऊँगा। एंड गाइस यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस को लॉक कर दें, ब्राइटनेस डिक्रीज ना हो के। तो गाइस यहाँ पे मुझे थोड़ा मतलब फ्रेम कम प्रोवाइड होते हुए नज़र आता है इन्फिनिक्स में, बट गाइस सेंसिटिविटी की जहाँ तक बात रही तो वो रियलमी 8 से मुझे इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्मूथ रन कर रहा है ये और ज़्यादा मतलब फास्ट काफ़ी मूव कर ले रहा है। गाइस यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट टाइम खेलेगा तो उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो जाएगी, बिकॉज इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड बंदे अभी पता नहीं किधर छुपे हैं, अबे भाई साहब ये एक साथ ही, अरे यार चारों एक साथ ही आए। चलिए गाइस तो यहाँ पे हम नॉक हो चुके हैं। तो सेंसिटिविटी की बात करें तो इसमें मुझे सेंसिटिविटी देखने को थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड गाइस यहाँ पे ये FPS अच्छा प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब 60 FPS के आसपास नहीं रहता है, अप्रॉक्स 40-45-50 के नीचे ही रहता है, इतना मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मैंने प्ले किया इसमें। तो इसकी FPS जो 60 FPS है वो एक्चुअल में मुझे फील हुआ, बट इसमें उतना मस्त फील नहीं हुआ। ओके गाइस तो सेकेंड राउंड प्ले करते हैं, इसको पॉज करते हैं हम। सो गाइस दिस इज द सेकेंड राउंड, एंड गाइस यहाँ पे हम फार्मर्स को बाई करते हैं, एंड मतलब वॉइस ओवर करके प्ले करने पे गाइस दिमाग इधर उधर चला जाता है। ठीक है तो हम प्ले करते हैं वैसे ही, वैसे हमको तो बस यही ना देखना है तो सेंसिटिविटी किसमें अच्छी। तो सेंसिटिविटी की बात करें तो यहाँ पे इन्फिनिक्स में मुझे बेटर लगा, स्मूथनेस एंड FPS अच्छा प्रोवाइड करने के मामले में ये है, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी गाइस परफॉर्मेंस में मुझे कोई शिकायत देखने को नहीं मिली, दोनों में ही मुझे हीटिंग इशू देखने को नहीं मिली है, बिकॉज हमने फ्री फायर का टेस्ट किया है दोनों ही फोन्स में और दोनों ही काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। गाइस ये हमारा एक गया, एंड इसको हम साफ करते हैं, दो गए क्या, ओ भाई किधर है, तो गाइस यहाँ पे बस वही बात है, यहाँ पे कॉल आ रहा है इस फोन में, तो बस यही है जो मैंने था सेंसिटिविटी के मामले में, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि सेंसिटिविटी इसकी मतलब इन्फिनिक्स की बेटर लगी, इसमें FPS अच्छा प्रोवाइड देखने को मिल जाता है, नहीं तो परफॉर्मेंस से मुझे कोई शिकायत देखने को नहीं मिली, दोनों काफ़ी मस्त परफॉर्म कर लेते हैं गाइस, तो इतना मैं कह सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, एंड कम बजट है आपका 11,000 के आसपास, तो ये फ़ोन चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मस्त फ़ोन है गाइस, ये मेरा फेवरेट फ़ोन है फिलहाल, इतना स्लीम है गाइस, यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है गाइस, 90 Hz के साथ में देखने को मिलता है। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।